हम जो है इस वक्त गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे हैं, गाड़ी में हैं। तो काफ़ी सारा लोग जो है आपको मिले जाया करेगा स्टेशन के लिए रुकते हुए। मेरा गाड़ी भी कितना बजे है, 106 हो रहा है, तो मेरा 2:30 को है गाड़ी। तो स्टेशन जो है अभी फ़िलहाल इस तरह से ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, सुनसान है, हालांकि काफ़ी शानदार लग रहा है मुझे। स्टेशन जो है ना काफ़ी सुंदर है यार, काफ़ी सुंदर है, कितना भी बोलो कम है। तो इधर से भी आप देख लेते हैं, आपको ले जा करके दिखाते हैं। सामने जो है साफ सफाई का काम चलता हुआ, और यार सच बताना आप कैसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहा, कितना शानदार है। और क्लीन तो बहुत ही ज़्यादा करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा तारीफ करना बनता है यारों। ठीक है भैयों और बहनों, लीजिए जूम करके और करीब से दिखा देता हूँ आपको, क्या लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा लंबा है। तो मैं इस वक्त चल रहा हूँ जूम के नॉट चाचा, जूम नहीं होता इसमें, फ्रंट कैमरा। सच बताना जो कैसा दिखता है मेरा फ्रंट कैमरा, मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ कैसा। तो ये गुवाहाटी यार, ये जो बात है ना, शब्द है ना गुवाहाटी, मैं गुवाहाटी बोलता हूँ, गुवाहाटी, तो गुवाहाटी बोला जाता है इसको। तो शानदार है, कमाल का स्टेशन है, जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी यार। एक स्थान एक, तो ये हो सकता है लोकल ट्रेडिशनल कुछ सामान वगैरह है यहाँ से, शायद आपको मालिक नहीं है क्या इसमें। तो भैया हम इतना ज़्यादा थक चुके हो, मेरे को जो है ये ट्रेडिशनल सामान हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, देख लीजिए, मेरे को लगा सुंदर लगा, बढ़िया है यार। बात ज़्यादा करना पड़ता है, मतलब नहीं करने से भी होता था शायद, होने से थोड़ा सा यूँ थोड़ा अच्छा लगता है यार बातें, वरना मैं जो ये जो बातें कर रहा हूँ किसी सज्जन को हो सकता है इरिटेट कर रहा हूँगा, या किसी को अच्छा बुरा कुछ भी शायद लग सकता है। तो गाइस मैं क्या करूँ, बातें करे बिना मेरा भी हैबिट सा हो गया, और अब भी शायद बोर होते होंगे, इस बारे में क्या ही कहूँ। तो हर जगह आपको मिल जाया करेगी पानी का, यार साफ़ है, सुथरा है, क्लियर है, आपके सामने है, बढ़िया है। इधर से भी आप एग्जिट बाहर जा सकते हो, उधर तो स्टेशन ही स्टेशन है बस, और क्या ही कहूँ। चलिए मेरे सामने कुछ वंदे भारत जो ट्रेन है, ये देखिए सामने खड़ी है वंदे भारत। यार बस आए नहीं वंदे भारत एक्सप्रेस, तू घूम नहीं पाए, तो यहाँ से शायद इसको यहाँ ऐसे रखा है या यहाँ से कंटिन्यू जाता होगा, आइडिया नहीं है। तो लीजिए मेरे सामने खड़ा है वंदे भारत, लीजिए थोड़ा सा और जूम कर देते हैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, ये वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर खड़ी हुई है, 2 पर जो है खड़ी हुई है। मैं इस वीडियो को जो है एडिट वगैरह नहीं कर पाऊँगा यार, सीधा डाल दूँगा। यहाँ चक्कर क्या है पता है आपको, यहाँ आपका 5G का मामला है, क्योंकि हर जगह 5G है, अपने गांव करीमगंज में भी 5G है, जिसके लिए होता है यूँ बड़ा बहुत तेज़ बने, 10-15 मिनट नहीं लगता है, 2-3 मिनट, 1-2-3 मिनट में ही अपलोड हो जाता है, चाहे आपका वीडियो, मैं अमूमन वीडियो ज़्यादा लंबा कर देता हूँ, एडिट का चक्कर है ना, उतना प्रोफेशनल हूँ नहीं, और इसीलिए लंबा चौड़ा हो जाता है वीडियो। लीजिए बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा एंड क्लीन एंड क्लियर एंड बड़ा वाला रेलवे स्टेशन है। यह अमूमन ज़्यादा भीड़ रहता है, अभी हो सकता है ट्रेन को एग्जिट यानी कि बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढना है, बाहर जाने के लिए रास्ता इधर से नहीं है क्या शायद, फिर मैं कहीं ना गलती गलत जगह हो गलत अलग साइड से आ चुका था क्या। एनी वे गाइस चलते हैं सामने बाहर की ओर, मिस्टेक नहीं है, यहाँ बंद है, बाहर एग्जिट के लिए उधर से शायद जाना पड़ेगा। चलिए बाहर चलते हैं यहाँ से, भैया ये रहा एग्जिट, नो एग्जिट यहाँ भी,
या से इधर से बाहर जाया जा सकता है। इधर से भैया रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आपको दिख रहा होगा, नज़र आ रहा, काफ़ी सुंदर है। बढ़िया बढ़िया, इतना भी ये मैंने पहले नहीं पढ़वाया था। हम माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ खड़े हैं। अच्छा, विद मोर देन 19 स्टार्टअप, इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो स्टार्टअप इंडिया, अच्छा स्टार्टअप इंडिया, अच्छा ये कुछ सरकार का द्वारा कुछ हो सकता है, कुछ जो भी होगा बने इसमें। मैं सुना था ये बारे में, लेकिन डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि यार इतना ही तारीफ करूँ कम है। इतनी शानदार, देखिए बड़ा सा डिस्प्ले, बिहू डांस का, बिहू का नृत्य जो है आर्ट, बिहू ड्रेस जो है इसके बारे में यहाँ बड़ा सा कुछ मतलब पता लग रखा है इन्होंने, समझ लीजिए। नहीं बोल रहा मतलब आ नहीं रहा यार, वार्ड शब्द जो है यहाँ रिसाइकल शायद की जाती है, मोबाइल भी चार्ज, यहाँ मोबाइल भी चार्ज वगैरह हो जाता है। तो बड़ा सा डिस्प्ले है, बाइक स्टैंड आपको दिखाते हैं, चलिए देख रही है बाइक स्टैंड। वाह इतना ज़्यादा है, मतलब बाइकों का लगा हुआ है जो है। आपको असम का बिहू डांस करने जो है मॉडल जो है यहाँ है, ऐसे बिहू का काफ़ी शानदार से कल्चर को प्रेजेंट करते हुए वैसे ऐसी है। ये फ़ोटो मैं तिनसुकिया में भी दिखा था ऐसा। तो ये है बड़ा फैन जो है, देख रहे हैं आप, बड़ा सा फैन लगा हुआ है जो है। अभी आपको बाहर का थोड़ा सा नज़ारा वगैरह दिखाते हैं। थक चुका हूँ यार, बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ। लीजिए आगे पीछे ऐसे पैसेंजर लोग वगैरह बैठे हुए हैं, हमको खाना खाना है। प्यारा चीज़ क्या है ना, ये देखिए लहराता हुआ शान से अपना तिरंगा। वाह, तो ये चीज़ काफ़ी सुंदर खूबसूरती को लगा देती है। तो यही परिवेश परिस्थितियाँ है स्टेशन के आजू बाजू, दाया पाया पहल जो है ना, चहल पहल जो है यही है। तो भैया हम जो है अब इसको एंड करते हैं।